नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सुबह रहनमाई प्रोग्राम के करियर काउंसलिंग सेशंस के साथ मैं हूं सलीम ताहिर। पिछले सेशन में हमने आपको करियर काउंसलिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। हमने आपको बताया था कि करियर काउंसलिंग क्या है और हम VIs की करियर काउंसलिंग कैसे करेंगे। आज के सेशन में हम करियर काउंसलिंग की बेसिस के हवाले से बात करेंगे कि किन बुनियादों पर किसी की करियर काउंसलिंग की जा सकती है, और अगर हम VIs के हवाले से बात करें तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। करियर काउंसलिंग के लिए तीन चीज़ें बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। नंबर एक टैलेंट, नंबर दो IQ लेवल और नंबर तीन कॉन्सेंट्रेशन। ये तीन अवामिल किसी शख्स की करियर काउंसलिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी शख्स की करियर काउंसलिंग करते हैं। तो हम फर्दर इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ये तीन चीज़ें करियर काउंसलिंग में अपना किरदार कैसे अदा करती हैं। नंबर वन टैलेंट। टैलेंट ही वो सबसे अहम चीज़ है जो किसी शख्स की करियर काउंसलिंग में अहम किरदार अदा करती है। हम सबसे पहले किसी शख्स के अंदर उसके टैलेंट यानी उसकी खूबियों, उसकी महारतों और उसकी खसूसियात का पता चलाते हैं। वह शख्स क्या कर सकता है, उसमें क्या करने की महारत और खूबी मौजूद है, इसी की बुनियाद पर उस शख्स के लिए किसी बेहतरीन पेशे का इंतखाब किया जा सकता है। टैलेंट के हवाले से माहिरीन की मुख्तलिफ तहकीकात मौजूद हैं। हम अपने सेशंस के अंदर आपको मल्टीपल टैलेंट थ्योरी के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि मल्टीपल टैलेंट थ्योरी के ज़रिए हम किसी शख्स की करियर काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। नंबर दो IQ लेवल। IQ लेवल किसी शख्स की मेंटल एज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई शख्स जहनी तौर पर कितना मुतहर्रिक है और वो मसाइल के हल के लिए अपनी जहनी सलाहियतों का कितना इस्तेमाल कर सकता है, यह हमारा IQ लेवल कहलाता है। और नंबर तीन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कोई शख्स अपने काम पर कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, कितना फोकस कर सकता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट न कर पाए, फोकस न कर पाए, तो टैलेंट के बावजूद, IQ होने के बावजूद वो शख्स अपने गोल को हासिल नहीं कर सकता। तो हम किसी की करियर काउंसलिंग करते वक्त इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों पर फर्दर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये तीनों चीज़ें असल में क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। नंबर वन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये थ्योरी 1983 में पेश की गई, जिसके मुताबिक किसी शख्स में एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस या एक से ज़्यादा टैलेंट हो सकते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने अंदर सलाहियतों का एक मजमूआ लेकर पैदा होता है, और उम्र के साथ साथ उसकी कोई एक सलाहियत उभर कर सामने आ जाती है और वही सलाहियत उसका टैलेंट कहलाती है। इस थ्योरी के मुताबिक एक शख्स के अंदर 8 किस्म के टैलेंट पाए जाते हैं। नंबर वन लिंग्विस्टिक, नंबर टू लॉजिकल एंड मैथमेटिक, नंबर थ्री स्पेशल इंटेलिजेंस, नंबर फोर बॉटली कैनेस्थेटिक, नंबर फाइव म्यूजिकल, नंबर सिक्स इंटरपर्सनल, नंबर सेवन इंट्रापर्सनल और नंबर एट नेचुरलिस्ट। इनकी डिटेल क्या है ये हम आपको आइंदा के सेशंस में बताएंगे। सरे दस्त हम आपको ये बताते चलें कि इस थ्योरी के मुताबिक किसी एक शख्स के अंदर ये 8 टैलेंट मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से किसी एक टैलेंट को वो शख्स अपनाकर अपनी ज़िंदगी में कॉन्सेंट्रेट करता है और अपने IQ लेवल के ज़रिए अपने उस टैलेंट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। नंबर टू IQ। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट की टर्म पहली दफ़ा 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न की जानिब से पेश की गई। विलियम स्टर्न ने इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि बाज़ अफराद की मेंटल एज उनकी रियल एज से मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बाज़ औक़ात हम महसूस करते हैं कि कोई बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा टैलेंटेड है, तो बाज़ बच्चे हमें अपनी एज से बढ़कर समझदार नज़र आते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन उसका जहन बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। तो विलियम स्टर्न ने इसी चीज़ को उजागर करने की कोशिश की कि लोगों में बाज़ अपनी उम्र से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनकी मेंटल एज उनकी रियल एज से ज़्यादा होती है।
बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल एज उनकी रियल एज से कम होती है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल एज और उनकी रियल एज तकरीबन एक जितनी होती है। विलियम स्टर ने इसको आईक्यू का नाम दिया और इसके लिए एक स्कोर तय किया गया कि अगर किसी शख्स का आईक्यू लेवल 90 से 120 के दरमियान हो तो वो एक नॉर्मल पर्सन है, उसका आईक्यू नॉर्मल है, उसकी मेंटल एज और रियल एज तकरीबन एक जितनी है। अगर कोई शख्स 130 से ज़्यादा का आईक्यू रखता है तो उसकी मेंटल एज उसकी एज से ज़्यादा होगी और उसे मेंटली तौर पर ज़्यादा एक्टिव तसव्वुर किया जाएगा। दुनिया में चंद अफराद ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हनी सलाहियतों के हामिल होते हैं। ऐसे अफराद 150 से ज़्यादा का आईक्यू रखते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग वगैरह। नंबर 3, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन करियर काउंसलिंग में इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि इसके ज़रिए हम किसी शख्स की फोकस करने की सलाहियत का पता चलाते हैं। किसी काम पर कॉन्सेंट्रेशन किए बिना टैलेंट को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही किसी राइट डायरेक्शन की जानिब बढ़ा जा सकता है। अगर कोई शख्स अपने अंदर कोई टैलेंट तलाश कर लेता है और वो एक नॉर्मल आईक्यू लेवल भी रखता है लेकिन वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, तो वो शख्स राइट डायरेक्शन की जानिब नहीं बढ़ सकता। तो हमें करियर काउंसलिंग करते वक्त इन तीनों बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम किसी भी शख्स की करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, ख्वाह वो नॉर्मल हो या VI, तो इन्हीं तीन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम उसकी करियर काउंसलिंग करेंगे। हम उस शख्स के अंदर इन्हीं तीन चीज़ों का पता चलाएंगे कि उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके अंदर IQ कितना है और उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है। तो हम अपने अगले सेशंस में इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और आपको करियर काउंसलिंग के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।